प्यारे बच्चे दोनों नहा धो के गेम खेलने बैठ गए और आज ठंड काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से रजाई उड़ के बैठे नहाने के बाद भी। आपको दिखा के आते हैं बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। एक मिनट, बहुत ही मतलब हैरान। हाँ, क्रिसमस आ रहा है तो ठंड तो बढ़ती है नेचुरली, पर आज तो धूप भी नहीं निकली, नहीं तो इतनी चहचहा थी धूप निकलती थी, अब तो वो भी नहीं निकल रही। देखती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मौसम थोड़ी धुंध सी आ रही है, कैमरे में दिख नहीं रही। अब थोड़ी सी धूप आनी शुरू हुई है, नहीं तो सुबह 7-8 बजे तक धूप आ जाती है, पर आज अभी 1 बज गया धूप अब आनी स्टार्ट हुई है, नहीं तो धूप ही नहीं आ रही थी। ये सीन जा रहा है पूरा। गाइस थैंक यू सो मच, मैं आपको बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने हमारे चैनल के 100 सब्सक्राइबर्स कराए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच जो आप लव और सपोर्ट दे रहे हो। एंड द लास्ट 2 वीडियोस जो मैंने बर्थडे ब्लॉग की पोस्ट की थी, Part 1 and Part 2, उस पर आपने इक्वली प्यार दर्शाया, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और थैंक यू अच्छे कमेंट्स करने के लिए, वो कमेंट्स बहुत अच्छे थे, आपके जो रिव्यूज़ थे बहुत अच्छे मिले थे उस पर, थैंक यू। और एक चीज़ और, आरव ने फर्स्ट पार्ट में एक टारगेट रखा था कि ईशा का जो बर्थडे व्लॉग है उसमें 30 लाइक्स होने चाहिए 48 आवर्स के अंदर, मतलब 2 दिन के अंदर होने चाहिए। तो ये व्लॉग जो मेरा Part 1 था वो डला था 17 की रात 12-1 बजे शायद, नहीं 11 या 11:30 पर डल गया था वो। और उसके बाद 18 और 19 की शाम 5 बजे तक वी हैव 30 लाइक्स। सो थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द टारगेट। जब आप लोग टारगेट पूरा कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशी होती है, इतने लाइक्स आना वीडियो पे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, स्प्रेड करिए चैनल, वीडियोस को स्प्रेड करिए। और जो अपने कमेंट्स हैं, चाहे आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है या फिर आपको कुछ लगता है दैट आई हैव टू इम्प्रूव दिस पार्ट और दैट, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट में मेंशन करके ज़रूर बताएं, आई विल अप्रिशिएट इट। और मैं कोशिश करूँगी जो पार्ट आप चाह रहे हो वो मैं एनहेंस करूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट में जो आपको फील हो वीडियो देखकर, ब्लॉग देखकर, प्लीज़ उसे ज़रूर बताइए कमेंट में, और चैनल को प्लीज़ फैलाइए। और जो सब्सक्राइब आप अगर करें तो उसके पास जो एक बेल आइकन आता है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, और उस बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में ऑन कर दीजिए, जिससे कि मैं अगर कोई भी नया ब्लॉग डालूं कभी भी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करिए, और जो आप प्यार दिखा रहे हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। राइट नाउ वी हैव 117 और 118 सब्स, दैट्स टोटली अमेजिंग। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट, इस टाइम बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके, तो आई वॉन्ट टू शेयर सम थिंग्स विद यू, क्योंकि हमारे 100 सब्स हुए हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप पर्सनली भी मेरे को जाने और मेरे से रिलेटेड कुछ चीज़ों को जाने मेरे ब्लॉग्स के थ्रू। तो अभी तक हम आपको शायद मैंने नहीं दिखाया ब्लॉग में, और पता नहीं या फिर इंट्रोडक्शन नहीं कराया होगा। तो मेरे घर के 5 लोग हैं, वो तो आप जानते हैं, मम्मा पापा आशी मैं और मेरा भाई। उनके अलावा भी आई हैव अदर 5 पीपल इन माई हाउस, मतलब पीपल क्या कहोगे उन्हें, मतलब मेरे दिल के बहुत करीब चीज़ें हैं वो, बट देख लीजिए पहले आप, पहले मैं दिखाती हूँ। दीज आर द 5 पीपल्स इन माई हाउस, ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, ये सब मेरे प्रेजेंट्स हैं, बस डोरेमोन को छोड़ के। डोरेमोन प्रिंस का है, ये प्रिंस लेके आया था अपने लिए अलग से, पापा लाए थे उसके लिए। और पू ये मुझे मिला था 2016 में, आशी ने गिफ्ट किया था ये, और इसका नाम है बनी, पिंक कलर का। ये मैं खुद लाई थी एज अ बर्थडे प्रेजेंट, मम्मी पापा ने कही थी कि तुम ले लो, ये भी 2016 में है। ये दोनों संग आए थे, डोरेमोन और बनी, और इसे तो आपने अभी रिसेंट थंबनेल में ही देखा होगा। इसका नाम हमने रखा है गोलू, गोलू है ना ये, बहुत इस वजह से
इसका नाम रखा है गोलू, और ये मेरे को पिछले साल मिला था, इस साल मेरी बर्थडे वाले दिन ही, तो ये 1 साल का हो चुका है। इसका नाम हमने रखा है डिंगलू। सबसे छोटा है और सबसे प्यारा है ये, मतलब हैं तो सभी प्यारे क्योंकि सब बर्थडे पे मिले हैं। ये 2016 में मिले थे ये दोनों, ये और बनी, और ये दोनों अभी, मतलब ये इस बर्थडे मिला है और ये इससे पिछले बर्थडे। डिंगलू मैंने इसका नाम इस वजह से रखा है क्योंकि इसका नाम मैंने डिंगलू इस वजह से रखा है क्योंकि एक शो आता है, वो भी मैंने रिसेंट अभी रखा है इसका नाम 2-3 महीने पहले, नहीं तो इसका कोई नाम ही नहीं था। छोटा वाला टेडी ऐसे ही बुलाते थे हम। इसका नाम हमने अभी, कोई एक नाटक आता है उसमें एक मदर है, गुजराती मदर है, तो वो अपने बच्चे को डिंगलू डिंगलू बुलाती हैं, मतलब प्यारे क्यूट बच्चों को, शायद गुजराती में डिंगलू कहते होंगे, मुझे तो नहीं पता, और मुझे वो डिंगलू अच्छा लगा, बोलते हैं डिंगलू डिंगलू, तो मैंने इसका नाम डिंगलू रख दिया। ऐसे ही है, कुछ अच्छा लगता है ना वो नाम रख देती हूँ। और हाँ, ये सब मैंने दिखा दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इन्हें टच करे। हाय, मतलब मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ इनके लिए, और कोई इन्हें मेरी बिना परमिशन के छू लेता है या मार पीट देता है तो मुझे बहुत गुस्सा आती है, चाहे वो मेरे घर का ही हो, मम्मी पापा हो, बहन हो या कोई भी हो, तो डोंट डेयर टू टच देम, चाहे मेरी प्रेजेंस में तो बिल्कुल नहीं, एबसेंस में भले ही कोई कर ले, पर एबसेंस में भी बहुत मना है। इस वजह से मेरे घर में जो भी बच्चे आते हैं, कभी वैसे तो आते नहीं है, जब भी आते हैं तो आई लॉक्ड माई रूम, जहाँ पे एक रूम मैं रख देती हूँ, और जो भी मेरी चीज़ें हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मैं उस टाइप की बच्ची हूँ या रही हूँ विच, मतलब जिसे पसंद ही नहीं है शेयर करना अपनी पर्सनल चीज़ें, तो ये मेरी बहुत ही दिल के करीब वाली चीज़ें हैं, ये मैं शेयर किसी के साथ नहीं कर सकती सिवाय अपने भाई बहन और मम्मी पापा के। कोई और बच्चे ने छू लेता है तो आई फील वेरी दर्द सा हो जाता है दिल में। इस वजह से मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, कुछ भी, तो वो चीज़ जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, दैट आई कॉन्ट शेयर विद एनीवन। तो यही था, खैर ये मेरा एडमेंट नेचर को या फिर पागलपन की को, पर आई डोंट लाइक टू टच माय टेडीज, कि कोई भी उन्हें टच करे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ यार। चुप रहोगे? क्या नहीं कर रहा था? कुछ नहीं कर रहा था। मार प्रिंसेस को, लेट जा इसके ऊपर। तो गाइस हम तीनों जा रहे हैं अपने प्यारे भ्राताओं से मिलने उनकी फैक्ट्री में, और देखते हैं अगर मिला पाते हैं उनसे। तो हेलो, तो कर दो हेलो। तो अभी रास्ते में हाई, अपन रास्ते में है, रास्ते ही मारी रास्ते ही। Explore the
वापस 6 बज चुके हैं। हमारे घर से फैक्ट्री बहुत पास है तो हम पहिया पहिया ही आ जाते हैं यहाँ पर और पहुँच रहे हैं अभी घर। पापा का फोन आ गया था कि घर आ जाओ, गेट लगने का समय हो गया है तो आ रहे हैं। ओके तो मिलते हैं, ऊपर चलते हैं बहुत जल्दी। अपन चार्जर लेके पहुँच रहा है क्योंकि अपन के फोन की बैटरी लो है तो जल्दी से चार्जिंग में लगाते हैं। एक निंजा सा आ जाता है जो आपका फोन चार्ज ना हो तो थोड़ी देर में चार्ज करके दोबारा मिलते हैं। आज हम खेल रहे हैं अमंगस, तो आज हमारा फर्स्ट डे है। हाँ। अभी तो आरव खेलना सिखा रहा है हम लोगों को। कैसे? हम कैसे खेलते हैं है ना? ये फर्स्ट टाइम खेलेगी। मैंने आज सुबह दो चांस खेला था जिसमें मैं इम्पोस्टर बनी थी, मैंने इसे मार दिया था। बहुत तेज लग तो अभी हम गेम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसा है क्योंकि बहुत ही वायरल गेम है और देखते हैं। हमने खाना पीना सब हो चुका है और ये देखिए क्या पिया नहीं है पीने में पानी। तो ये आशी ने प्रिंस की चोटी बनाई है, दिखाइए। तो यही आज का ब्लॉग समाप्त होता है। अब जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और इंस्टाग्राम पर जाके प्लीज फॉलो कर लीजिए दीदी जी को भी और मेरे को भी। दोनों की जो आईडी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके सो स्टे ट्यून्ड एंड गुड नाइट। इस बात का जोर